हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे HEC कोर्सेरा की जानिब से जो तमाम जो है वो सारे कोर्सेज फ्री अनाउंस हुए हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। देखें, आपको शायद पता हो या नहीं, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जो है वो 2 साल से चल रहा है। ये HEC ने न्यू लॉन्च किया था, जिसमें जो है वो HEC कोर्सेरा से जो है वो कोलेब्रेशन करके हमारे जितने भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एक जो है वो बहुत ही अच्छा जो है इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है, जिनमें जो है वो कोर्सेरा की जानिब से बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो आपको फ्री में कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत जो है वो अप्रूवल लेते हैं तो आपको 6000 प्लस जो है वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो उनमें एडमिशन मिल सकता है, और वो एडमिशन आप जो है वो कम्प्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको, जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपको आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके CV के रिगार्डिंग और आपके ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली प्रोग्राम, इसकी जो डेडलाइन है वो 29th January है। तो आपके पास अभी बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। पहले इनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अगेन HEC ने इनकी जो है वो डेडलाइन एक्सटेंड कर ली है ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इनमें बेनिफिट्स जो है वो ले सकें। अब यहाँ पर ये देखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है dlsei.hec.gov, इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये टॉप रिकमेंडेड कोर्सेज भी हैं, जिसमें देखते हैं कम्युनिकेशन का है, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग का है, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का है, इंग्लिश फॉर इफेक्टिव बिजनेस, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं गूगल क्लाउड है, और VL बिजनेस एनालिटिक्स है, SA प्रोग्रामर है। ऐसा समझें कि इसमें जो है वो बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, स्पेशलाइजेशंस भी हैं और बहुत सारी लर्निंग ट्रिक्स भी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये देखें, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, कोलंबिया की यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन, इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनमें कोलेब्रेशन कर रही हैं HEC कोर्सेरा की जानिब से। तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये देखें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपने बेसिकली क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास 2 कैटेगरीज आएंगी, जिनमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट की लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे, अगर आप जो है वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बर हैं तो आप जो है वो उस लिंक से अप्लाई करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़र्स्ट वाली जो है वो लिंक है, उसके बाद जो सेकंड है वो यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसमें आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है 6000 प्लस फ्री कोर्सेज और सर्टिफिकेशन से। ठीक है, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है वो यहाँ से पहले ई कोर्सेज का जो इनका पोर्टल है उन पर आपने जो है वो ई सर्विस का इनका पोर्टल है, वहाँ से पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो वहाँ से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ये देखें, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, जिसमें आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है, जिसमें आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका CNSE, आपका पासवर्ड, आपका कन्फर्म पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी प्राइमरी ईमेल। जब ये चीज़ें डायल करेंगे तो आपके पास जो है वो अपने ईमेल में जो है वो एक लिंक आएगा। ठीक है, और आपका पासवर्ड वगैरह भी जो है वो आप यहां से जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी पासवर्ड से आप अपने पोर्टल को जो है वो लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें आपने जो है वो यहां से देखना है अप्लाई फॉर ई कोर्सेज लिखा होगा, आपने बेसिकली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ बेसिक डेटा जो है वो मांगेगा, जो कि आपने यहाँ पर देनी है। वो बेसिक डेटा देने के बाद जो है वो आप सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो देकर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी जो है वो ट्रैफिक की वजह से जो है वो अपनी वेबसाइट बिजी रहती है, तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आने के बाद आप बोलें कि सर हमारी तो ये वेबसाइट ही नहीं चल रही है और हम कैसे अप्लाई करें। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जो है वो वाकई में इंटरेस्टेड हैं कि अच्छी अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटी से हम कोर्स करें और वहाँ से सर्टिफिकेट भी आपको फ्री में मिले, तो मैं जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है,
पता नहीं ये आज क्यों इतना अच्छा है वो। तब तक हम देख लेते हैं कि इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, यहाँ से आप जब कोर्सेज पे क्लिक करते हैं ना, आपके पास बेसिकली इनकी बहुत सारी रिकमेंडेड कोर्स भी आएंगे। हर फील्ड के हवाले से आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा ओपन हो गया पोर्टल यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आप जो है ना, ये अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट ज़रूर करेंगे। अपनी प्रोफाइल से लेकर अपने पर्सनल डेटा है, जिसमें आपकी एजुकेशन वगैरह आ जाएगी, आपकी एड्रेस और आपकी एजुकेशनल डेटा, ठीक है। यहाँ से पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से डिग्री अटेस्टेशन के लिए भी अप्लाई होता है। तो आप पहले अपने प्रोफाइल को कंप्लीट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें खुल गया। यहाँ से आपने यूज़ टाइप में आपने जो है वो स्टूडेंट पे टिक करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेम्बर हैं तो आप ऊपर जो है वो फैकल्टी पे टिक करेंगे। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करके आपने यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आपने जो है वो अपना नाम, अपना फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर कौन सी है, आपका CNIC नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर और सिटी ऑफ रेजिडेंस आपका कौन सा है वो आपने बताना है। उसके बाद नीचे आना है, ये आपकी जो है वो एकेडमिक डिटेल्स हैं जहाँ पर आप करेंटली पढ़ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपने देना है, अपना कौन सा कैंपस है, उसके बाद डिसिप्लिन कौन सा है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, प्रोग्राम किस में एनरोल हैं आप, डिग्री आपका लेवल क्या है, आप PhD के हैं, MS के या बैचलर के हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर बताना है, अपना रोल नंबर बताना है, आपकी एडमिशन कब हुई थी। और यहाँ से आपने जो है वो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सिंपली नीचे आना है। ये आपका है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप किन में इंटरेस्टेड हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप जो है वो डेटा साइंस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेटा साइंस पे जो है वो क्लिक करके सबमिट करेंगे, तो आपके पास जो है वो डेटा साइंस के रिलेटेड सारे कोर्सेज आएंगे, ठीक है। IT के रिलेटेड आएंगे, लैंग्वेज लर्निंग के रिलेटेड आएंगे। तो अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हैं, उसके बाद जो है वो फॉर्म को यहाँ से आप जो है वो अपनी इंस्टीट्यूट की ईमेल देंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उन यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर उनके सामने आप जो है वो ईमेल लिखेंगे तो उनकी ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, उसके बाद फॉर्म को करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपने जो है वो एक या दो दिन वेट करना है। दो दिन वेट करेंगे तो आपके पास ऑफिशियली जो है वो HEC से अप्रूवल आ जाएगा। और जब अप्रूवल आएगा तो यहाँ पर आपका जो है वह यहाँ पर आपका लिखा आएगा अप्रूव्ड। जब अप्रूव्ड होगा तो आपको जो है वो लिंक के ज़रिए बोलेंगे कि आप या तो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करें, या आपको जो है वो पासवर्ड भेजेंगे। तो आप उसी पासवर्ड से आप अपने कोर्सेरा देखें, कोर्सेरा जो है वो आपका जो आपकी वेबसाइट है कोर्सेरा की, इस पर आपने आना है और उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है जो आपको HEC सेंड करेगा, ठीक है। और वहाँ पर आने के बाद आपके पास डिफरेंट कोर्सेज शो हो जाएंगे, फिर जिसमें आप जो है वो करना चाहते हैं सिंपली इनरोल नाउ का ऑप्शन होगा और वहाँ पर आप इनरोल नाउ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो फुल कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। मेरी कोशिश होती है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अच्छी जो है वो स्कॉलरशिप आती हैं उनके रिलेटेड वीडियोज़ बना के उसके तहत आपको गाइड करूँ। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी है स्कॉलरशिप्स अलर्ट के नाम से, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स अलर्ट पेज भी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का जो है वो नंबर भी है हमारे जो कमेंट्स में दिया हुआ है मैंने, तो उसके तहत आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनके कोई क्वेश्चन हैं या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।